हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह वाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो रियल एस्टेट बिजनेस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल बात ये है कि हमने रियल एस्टेट बिजनेस क्यों शुरू करना है, हमारे मन में क्या क्या बातें रहती हैं जिसके लिए हमें रियल एस्टेट बिजनेस जो शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदमी तीन तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे समाज में। सबसे पहली जो ज़िंदगी है जो लाइफ ऑफ सर्वाइवल है, लाइफ ऑफ सर्वाइवल का मतलब है भी बंदे को दाल रोटी चाहिए, कोई उसकी बड़ी ख्वाहिश नहीं हो सकती, या हो वो पूरी ना हो तो वो जो लाइफ ऑफ सर्वाइवल उसको बोलते हैं। लाइफ ऑफ सर्वाइवल का मतलब है सिर्फ दाल रोटी का मसला, सर्वाइव करना है किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से हमने सर्वाइव करना है, मतलब हम जैसे भी सोचा जाए कि जिस तरीके से हमें जीने के लिए, सिर्फ जीने के लिए ही खाना है, मतलब जीने के लिए खाना है, सिर्फ जीना है, ये लाइफ ऑफ सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब जीना, किसी भी तरीके से जीना है, उसमें आपकी ख्वाहिश पूरी हो या ना हो उसमें कोई बात नहीं है। नंबर दो पर लाइफ ऑफ सक्सेस है, इसमें आपकी ख्वाहिश आ जाती है, कोई आपकी विश आ जाती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ जाती है, कुछ आप ज़िंदगी में बनना चाहते हो वो बन जाते हो, तो वो बन जाते हो, तो वो ज़िंदगी में बनने के बाद आप उस तरीके की ज़िंदगी फिर जीना शुरू कर देते हो। तो ज़िंदगी जीना शुरू करने का मतलब यही है कि आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, या आपने सोचा कि डॉक्टर बनना है हमने, डॉक्टर बन गए, कुछ और सोचा कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बन गए। यहाँ आके प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे के पास, सर्वाइवल वाले के पास पैसा नहीं रहता। अब ये बंदा पैसा कमा लेता है, इसके पास पैसा आ जाता है, तो पैसा आ जाता है तो खाना खाने का टाइम नहीं है, कहीं रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं, परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो उसके बाद जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में ये दोनों चीज़ें आती हैं, मनी भी आएगा और टाइम भी आएगा। क्योंकि यदि अकेला मनी आपके पास है, टाइम नहीं है तो भी किसी काम का नहीं, यदि आपके पास सिर्फ टाइम ही टाइम है तो भी पैसा किसी काम का नहीं। तो हमने मतलब यदि टाइम ही टाइम है तो टाइम भी किसी काम का नहीं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास हों तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो। तो हमने ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि ज़िंदगी काटने के लिए, ज़िंदगी भोगने के लिए पैदा हुए हैं। तो ज़िंदगी भोगनी है तो हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही आना पड़ेगा। तो हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे आते हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में रियल एस्टेट का क्या रोल है? रियल एस्टेट का रोल ये है कि जो भी आपको चाहिए वो रियल एस्टेट देता है, पैसे के हिसाब से पैसा भी आपको मिलता है। नंबर दो, यदि आपको पैसे के बिना टाइम चाहिए तो टाइम भी रियल एस्टेट बिजनेस में मिल सकता है, क्योंकि इसमें 9 से 5 शटर उठाने वाला कोई काम नहीं है, शटर उठाने वाला काम नहीं है। तो डेफिनेटली जब आपको जिस तरीके का आपके पास टाइम हो तो वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने अपनी नौकरी करते करते रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया था, बैंक की नौकरी करता था, तो मैं अपने मेरे साथ आसपास में तकरीबन बहुत बंदे ऐसे थे जो बैंक में काम करते थे, या कोई जेई लगा हुआ था, कोई और लगा हुआ था, मतलब अपना काम डिस्टर्ब करने के बिना ही उन्होंने काम शुरू किया और पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद जो भी उनकी अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशें थी उन्होंने लाइफ ऑफ जो कंप्रोमाइज है, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज नहीं जी, उसने उन्होंने जो उनको चाह, जो उनने चाह वो उनने अचीव किया। उन्होंने अपनी मर्जी की कार रखी, मर्जी की गाड़ी रखी, मर्जी का घर लिया, मर्जी से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया, कहीं घूमने का प्रोग्राम बन रहा है। क्योंकि जब हम एम्प्लाई थे, मैं एम्प्लाई था या और मेरे साथी एम्प्लाई थे, तो डेफिनेटली वो आदमी कहीं ना कहीं उनको टाइट कॉर्नर से गुजरते थे, मतलब उनका कहीं ना कहीं हाथ तंग रहते था। क्यों? तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी तो, लेकिन शहर के खर्चे तो बहुत थे, तो खर्चे को मीटअप करने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हमने रियल एस्टेट बिजनेस में आने का फैसला तभी लिया था। तो इसी से जो हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिली, जिसमें मनी भी आया और टाइम भी आया। और इसके बाद जो स्टेटस आता है वो आता है, कई आदमी मैंने देखा है डीलर से लीडर, हमारे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, वो पहले प्रॉपर्टी का काम करते थे,
डोनाल्ड ट्रंप का नाम किसी ने नहीं सुना, डोनाल्ड ट्रंप रियल स्टेट में काम करता था। और भी पता नहीं कितने नाम बता सकता हूँ मैं, मोहाली के जो विधायक हैं मिस्टर कुलवंत सिंह, जो पंजाब के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं, वो भी रियल स्टेट का ही काम करते हैं। और रियल स्टेट के काम का मतलब ये है, बड़ी मज़े की बात यह है कि आपको ये नहीं कि आपके PhD होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, नहीं, आपके पास सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए। जब आपके पास सेल्फ एजुकेशन होती है तो डेफिनेटली आप तरीके बढ़िया तरीके से काम कर लेते हो, सीखते हो। मतलब डिग्री होना और चीज़ है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन होना और चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी के पास डिग्री जो है, लेकिन उनके पास सेल्फ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। सेल्फ एजुकेशन के हिसाब से ही हमारे भगवंत मान जी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो भी सेल्फ एजुकेशन के हिसाब से ही चलते हैं। डिग्री उनके पास भी कम है, क्योंकि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया था, तो ज़्यादा मतलब वो आगे जाके उन्होंने नहीं पढ़ाई की। सो इस तरीके की जो लाइफ है तो हमें मिलती है रियल स्टेट बिजनेस से। रियल स्टेट बिजनेस का मतलब यही है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिल गई। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमें किसी फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें सेल्फ एजुकेशन की ज़रूरत है, जो हम भी प्रोवाइड करते हैं आपको। रियल स्टेट की ट्रेनिंग देते हैं, रियल स्टेट में बैठते हैं आपके साथ, आपको रियल स्टेट में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको वहाँ से कैसे निकलना है वो भी आपको बताते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।